भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जून को राजभवन का घेराव करेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि इस दौरान कोई शोर शराबा नहीं होगा, सिर्फ कुछ लोग ही जाएंगे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने। उसमें ये रहेगा कि गवर्नर साहब को एक ज्ञापन जाएगा 7 महीने पूरे होने पे, और वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम होगा। तो हर स्टेट में गवर्नर के माध्यम से ज्ञापन जाएगा, जो संयुक्त मोर्चे का होगा वो देंगे, और राष्ट्रपति से यह करेंगे कि 7 महीने आंदोलन को पूरे हो गए और भारत सरकार बात नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये ज्ञापन जाएगा, काले झंडे की बात नहीं, उनको ज्ञापन जाएगा राष्ट्रपति भवन। उसमें गवर्नर हाउस पर जाएंगे, लोग अपना ज्ञापन देंगे, वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन होगा। अगर पहले टाइम ले लेंगे कि किसी गवर्नर से अगर मिलना होगा किसी स्टेट में, तो कोशिश करेंगे कि उस दिन 5 आदमी से 11 आदमी से कोविड का पालन करते हुए गवर्नर साहब अगर कुछ लोगों से मिल लें किसी स्टेट में, तो वो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। वो पहले प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले प्रोग्राम हो जाता है वो, तो कुछ जगह कोशिश करेंगे कि गवर्नर साहब से मीटिंग भी हो जाए। मीटिंग नहीं होगी तो उनके ADC जो भी उनके वो होंगे उनको ज्ञापन दिए जाएंगे, वो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम होंगे, और बाया गवर्नर हाउस वे राष्ट्रपति को ज्ञापन आएंगे। यहाँ पे मोर्चों पे बनेगी और गांव में, क्योंकि कबीर जी भी एक विचारक थे, पूर्ण रूप से समाज सुधार के काम करे, और वो सभी धर्मों को मानने वाले थे, तो उसको मनाएंगे। और जैसे दूसरे भी महापुरुषों की यहाँ पे जयंतियां और उनके प्रोग्राम मनाए हैं, ऐसे ही 24 तारीख को भी प्रोग्राम करे जाए। बीच में भारत सरकार रुकावट है, वो सही मन से बात नहीं करना चाहते, घुमा फिरा के बात करना चाहते हैं। सही मन से बात करें, हम तो तैयार हैं, कंडीशनल नहीं कि ये हमारी कंडीशन होगी, आप बात कर लो। किसान इतना देश में कमजोर नहीं है कि कंडीशनल और किसान झुक कर जाएगा और वो बात करेगा। किसान देश का अन्नदाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।